मैं यहाँ हरिद्वार था जी, इनकी दुकान पर बैठता हूँ जी, और मुझे मौसी का बहुत शौक है जी सर। पेन से मैं फसलें वगैरह तैयार करवाता हूँ, पेन ड्राइव, और फिर आराम से उनको। साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है, तो हमें बताइए पहला स्टेप कौन सा होगा उमर साहब का, स्टेट हुड के बारे में बात होगी। हजूर स्टेट हुड की बात तो पहले भी आ गई है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है जी, तो बहुत जल्दी इसको लेंगे। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी स्टेट हुड सर, क्या आर्टिकल 370 पे बात होगी, कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ेगा वापस जी, और उनके सामने कैसे दलील रखनी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मुश्किलों को कम करें, यहाँ बेकारी बहुत है, बदहाली बहुत है, उसको ख़त्म करना जरूरी है। थैंक यू सर, सलाम अलैकुम। और ट्रैफिक ठीक करते हैं जी, हमारे लोग जो स्कूटर चलाते हैं वो टोपी नहीं लगाते, और कोई ट्रैफिक को नहीं, और जो ट्रैफिक में चोरी हो रही है उनको ख़त्म, अब वो टा टा नहीं हो, तो वो लोगों कानों को खराब हर एक बराबर है, वी आई पी हो या कोई हो, वो सब बराबर है। जो हम लोगों ने अपने मसौदे में रखा है कि वो उसको पूरा कर सकें, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर कर सकें, जम्मू कश्मीर तरक्की करे और अमन की तरफ चले, कि हम लोग इस रियासत को बेहतर बना सकें। हो गया? नहीं नहीं भारत साहब, मतलब कश्तवाड़ गए थे उमर साहब, तो कोई कश्तवाड़ नहीं गए थे, वो गए थे जनाब वार्ड वन, वहाँ 50 घर जल गए थे, वो उनके देखने गए थे क्या हम लोग कर सकते हैं, उनकी मदद जल्दी की जाए, क्योंकि बर्फ़ का फिर वहाँ सीज़न शुरू होने वाला है और उनके लिए मुश्किलें हो जाती। रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि फारूक साहब राज्यसभा जा रहे हैं। किसने बोला? रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट। अरे यहाँ तो बड़ी सही रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस दिन मैं जाऊँगा पहले मैं आपको सलाम करूँगा।